मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, आपकी अनंत महिमा के सागर में तैरने वाले कुछ मोतियों को मेरे द्वारा यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि सुंदर साथ इन्हें पढ़कर अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनने का प्रयास अवश्य करेंगे। श्री प्राणनाथ वह स्वरूप है जिनके समान किसी भी ब्रह्मांड में अब तक न कोई हुआ है, न है और न कभी होने वाला है। तारीफ मोहम्मद मेहदी की, तारीफ मोहम्मद मेहदी की, ऐसी सुनी ना कोई क्या है। कई हुए कई हो ऐसी, किन ब्रह्मांडों है। इस जागनी लीला में जिनके अतिरिक्त अन्य किसी को अक्षरातीत कहलाने की शोभा ही नहीं है, क्योंकि एकमात्र वे ही 36,000 आत्माओं के साथ जागनी रास कर रहे हैं। कोई दूजा मरद ना कहा वही, कोई दूजा मरद ना कहा वही, एक मेहदी पाक पुरन खेल सी रास मिल जागनी, खेल सी रास मिल जागनी 36,000 सैयन। जो इस जागनी लीला में ब्रह्म सृष्टि सहित सभी के प्रियतम पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की, ईश्वरी सृष्टि सब आए करो दीदार, सब आए करो दीदार। तारतम वाणी से जिनकी पहचान कर अपने हृदय में जिनका साक्षात कर लेने वाला धन्य धन्य हो जाता है, ऐसे अक्षरातीत के बारे में इस संसार में किसी ने भी न तो सुना था और न जाना था। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े है तुम, सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े है
जिनको अनेक देवी देवताओं, असुरों, तीर्थंकरों तथा अवतारों ने अपनी साधना के द्वारा पाना चाहा, किंतु स्वप्न में भी उनका अनुभव नहीं कर पाए, वह इस समय सारी सृष्टि के लिए अनायास ही दर्शन करने का सौभाग्य दे रहे हैं। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। किन सुपने ना श्रवणों, किन सुपने ना श्रवणों, सोईत मिलिया ऐसे हैं हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत श्री प्राणनाथ, जिनके स्वरूप की पहचान पर महाराजा छत्रसाल जी ने अपने भरे दरबार में डिंडिप घोष के साथ ये बोला था। साथ समस्त के युगल धनी बैठा है, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले, श्री ठकुरानी जी साथ कितने आश्चर्य की बात है कि आजकल हमारे समाज के मंचों पर श्री प्राणनाथ जी को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संत, कवि, महापुरुष और आचार्य के रूप में दर्शाने का प्रचलन चल पड़ा है। ऐसा कहकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव किया जाता है। क्या सुंदर साथ में सर्वोपरि ब्रह्म मुनि कहलाने की शोभा प्राप्त करने वाले महाराजा छत्रसाल जी के कथनों का कोई महत्व नहीं है? श्री प्राणनाथ जी को एक आचार्य के रूप में प्रस्तुत करके आखिर हम क्या दर्शाना चाहते हैं? धन्य है वे केशवदास जी, जिन्होंने भगवान दास रेवादास के मुख से कुछ संक्षिप्त बातें सुनते ही कह दिया था। यह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। यह तो अक्षरातीत था, दुख के साथ कहना पड़ता है
कि वर्तमान समय के तथा कथित स्वयंभू महान विद्वानों के द्वारा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को जानबूझकर आचार्य, कवि और महापुरुष जैसे शब्दों से संबोधित करने की जो होड़ मची है, उससे श्री राज जी के प्रति उनके विश्वास और समर्पण का मूल्यांकन हो जाता है। श्री प्राणनाथ जी के संबंध में तो तारतम वाणी स्पष्ट निर्देश करती है। रे होना ही, रे होना ही, सिद्ध साध संत रे भगत नाहू, वैष्णव अपरस आचार। जात कुटुम कुल नीच नौच, नाहू बरन अठार। क्या जिसके हृदय में सत्य के लिए थोड़ा भी स्थान होगा, वो तारतम वाणी के उपरोक्त कथनों को छुटला सकेगा? इस संसार में अनेकों महापुरुषों ने ध्यान समाधि का मार्ग बताया और निराकार या उससे परे बेहद की प्राप्ति के लिए साधना का निर्देश दिया, किंतु समस्त ब्रह्मांड को मुक्ति देने का दावा किसी ने नहीं किया। ये असंभव कार्य एकमात्र श्री प्राणनाथ जी के द्वारा संभव हो सका। मोहे दिल में ऐसा आया, मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखिया ब्रह्म देख्या ब्रह्मांड, तो क्या देखी रे हम दुनिया, तो क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको न करूं अखंड, इनको न करूं अखंड। खेल साचा तो देखा, एक खेल साचा तो देखा, जो अखंड करूं फिर, जो अखंड करूं फिर, पार्वतन देखाय के, पार्वतन देखाय के, उड़ाऊं सब अंधेर। इतना ही नहीं, श्री जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा के समय सुंदर साथ को साक्षात अक्षरातीत युगल स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन हुआ करते थे। क्या ऐसी अलौकिक लीला को दर्शाने की सामर्थ्य किसी आचार्य, कवि, महापुरुष अथवा संत में है? जाको दिल जिन भांत सो, जाको दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन भेद, मन चाहे स्वरूप होए के, कार्य किए सब सीध। सुर असुर सबों को एक पति, सब पर एक दया, दीदार सबन को साई, जी
चाहे श्री मुखवाणी तो स्पष्ट रूप से ये घोषित करती है कि साक्षात श्री राज जी ही श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श के, तुम ही दई सुध अर्श के, जो अर्श में धर्म ग्रंथों की साक्षियों के अनुसार परब्रह्म के जिस स्वरूप का प्रकटन होना था उस अक्षरातीत का प्रकटन होने पर भी जानबूझकर संशय की लकीरें खींची जाती हैं और समाज को भ्रमित करने के लिए कोई उन्हें आचार्य कहता है तो कोई उन्हें श्री कृष्ण परमात्मा का दूत कहता है। क्या यही हमारा धर्म है? आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सतवानी सब की करी, सो सतवानी सब की करी, अब आए करो सार तत्व ही है। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करना। नर नारी बूढ़ा बालक, नर नारी बूढ़ा बालक, जिन कतई पक्ष में भी स्पष्ट साक्षी है कि श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होने वाला स्वरूप अक्षरातीत ही है। अरबों स्वैसा कहा कागद ये परवान, अरबों स्वैसा कहा कागद ये परवान, आवसी प्रभु अलम का तब खुलसी कुरा, जो साहिब किन देखिया नहीं ना कछु सुनिया का, जो साहिब किन देखिया नहीं ना कछु सुनिया का, आवसी रब आलम का तब खोल सी कुरा। जब तारतम वाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रज रास और जागनी में ब्रह्म लीला हुई है
तो किस मुख से ये प्रचारित किया जाता है कि प्राणनाथ जी संत, कवि, महापुरुष और आचार्य हैं? ऐ तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसी न हुए हो से कब, ऐ तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसी न हुए हो से कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही, ब्रज रास और जागनी कही। श्री मुखवाणी की किस चौपाई में यह लिखा है कि जागनी वाला यह स्वरूप किसी संत और आचार्य की लीला करने के लिए है? ब्रज और रास के स्वरूप को अक्षरातीत मानना और जागनी वाले स्वरूप के ऊपर संशय लाना किस मानसिकता को दर्शाता है? तीन स्वरूप खुदाए कहें, तीन स्वरूप खुदाए कहें, तीनों तकरार रूहो बीच रहे, तीनों तकरार रूहो बीच रहे, एक ब्रिज बाल दूजा रात किशोर, एक ब्रिज बाल दूजा रात किशोर, तीसरे बुढ़ापन में वो, तीसरे बुढ़ापन में वो। श्री बीतक साहब ने श्री प्राणनाथ जी को चार बार अक्षरातीत और 226 बार राजी कहा गया है, किंतु दुर्भाग्य है कि मूल बीतक साहब के कथनों को अन्यथा करके जान बूझ कर उन्हें एक संत और महापुरुष के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा करते समय मन में जरा भी ग्लानी नहीं होती कि इस संबंध में श्री मुखवाणी क्या कहती है। गरे गा बदा बगरे गा पगरे गरे सा, इन मोती के मोल कहियो न जाए, कहियो न जाए, इन मोती के मोल कहियो न जाए, कहियो न जाए, ना किन्हु कानो सुनाए, ना किन्हु कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे, भी जल। यदि तारतम वाणी के प्रकाश में कोई अपनी अंतरात्मा से पूछे तो सही, यही उत्तर मिलेगा कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत आए। बोझ अपनो निज वतन को, बोझ अपनो नील वतन को, सो सब मेरे सिर दियो, सो सब मेरे सिर दियो, नाम सिंगार
शोभा सारी नाम सिंगार, शोभा सारी में भेख तुम्हारे लियो, बोझ अपनो निज वतन को, बोझ अपनो निज वतन को, बोझ अपनो निज वतन को। वेद कतेब में जिस अक्षरातीत परब्रह्म की सांकेतिक पहचान दी गई है, वही श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट होकर अपने परम धाम का सारा ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है शुद्ध कतेब वेद, ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है शुद्ध कतेब वेद, सो आप आखिराए के, सो आप आखिराए के, अपनो जाहे कियो सब भेद, अपनो जाहे किया सब भेद। यदि इस जागनी लीला में हमने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की पहचान नहीं की, तो हमें स्वयं को जागृत कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ब्रज लीला लीला रास महे हम खेले जान के जाग नीला जाग पहचान, जाग नीला जाग पहचान, पियू सो जान बिल से करता। महाराजा छत्रसाल जी तो बिना तारतम्य केवल श्री जी के दर्शन मात्र से ही महल में आकर कहते हैं, अंदर जाए के कही, अंदर जाए के कही, जिने करना हो दीदार, जिने करना हो दीदार, सो सब ही कीजियो, सो सब ही आया परवरदिगार। स्वयं को वाणी का मर्मज्ञ घोषित करके और हजारों व्यक्तियों को तारतम देकर भी श्री प्राणनाथ जी को संत महापुरुष और आचार्य कहना किस मानसिकता का परिचायक है। तारतम वाणी के प्रकाश में हर सुंदर साथ को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि यदि हम ब्रजरास के स्वरूप को अक्षरातीत मानते हैं, तो जागनी वाले स्वरूप को क्या मानना चाहिए। मिने खेलाए जिने प्रगट लीला करी है तिने, रास मिने खेलाए जिने प्रगट लीला
करी है तीने धनी धाम के कहलाए। ए जो साथ भुलावन आए रास मीने खेलाए जीने प्रगट लीला करी है तीने धनी धाम के कहलाए। ए जो साथ भुलावन आए रास मीने खेलाए जीने प्रगट लीला करी है तीने प्रगट लीला करी है तीने प्रगट लीला करी है तीने। इस ब्रह्मांड में मानव तन पाने की सार्थकता इसी में है कि हम श्री मुखवाणी के प्रकाश में श्री प्राणनाथ जी की वास्तविक पहचान करें, अन्यथा पश्चाताप के आंसुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। खुदाए बीच वजूद ही जाओ, खुदाए बीच वजूद ही जाओ, रूह तुम्हारी बैठा दाओ, रूह तुम्हारी बैठा दाओ, पीछे फना के फायदा सब, पीछे फना के फायदा सब, दौलत खुदाए का पाओ जब, दौलत खुदाए का पाओ जब, दौलत खुदाए का पाओ जब, दौलत खुदाए का पाओ। श्री पद्मावती पुरी धाम में 5,000 सुंदर साध की संख्या के साथ किलकिला नदी के तट पर कौन आया? इसका उत्तर सबको मालूम है, फिर भी आश्चर्य है कि श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कहने में लज्जा क्यों लगती है। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, दिन में सिरदार अक्षरातीत, दिन में सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठार सुख पाए, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, उतरे परमहंस आए, उतरे परमहंस आए। खुलासा प्रकरण 3 चौपाई 74 का कथन है। हम बंदे रुहे इन दरगाह, हम बंदे रुहे इन दरगाह, कहा अरस दिल मोमिन यारों बुलावे मुहम्मद, यारों बुलावे मुहम्मद, करो सिजदा हजूर अरस तन, करो सिजदा हजूर अरस तन, करो सिजदा हजूर अरस तन। अर्थात परम धाम से आई हुई आत्माएं
अक्षरातीत के प्रेम मार्ग की अनुयायी हैं। इनका हृदय ही अक्षरातीत का धाम है। तारतम वाणी के प्रकाश में श्री प्राणनाथ जी अपने चरणों में बुला रहे हैं इन्हीं महामती जी के धाम हृदय में। प्रियतम परब्रह्म वे राजमान हैं, इसलिए इनके धाम हृदय वाले तन को अक्षरातीत का स्वरूप मानकर प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम करो। यह चौपाई निर्विवाद रूप से श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सिद्ध करती है। जो सुंदर साथ कुम्मट जी को मात्र समाधि कह के प्राणनाथ जी की महिमा को खंडित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें खुलासा की प्रकरण 3 चौपाई 65 का चिंतन करना चाहिए। खाक वजूद ना सुती कहा खाक वजूद ना सुती हादी बैठा वजूद धर हादी बैठा वजूद धर दुनी दरिया अंधेरी हादी चले ना क्यों एकर हादी चले ना क्यों एकर कहा खाक वजूद ना सुती कहा खाक वजूद ना सुती। श्री श्यामा जी ने इस नश्वर जगत में पहले जामे में श्री देवचंद्र जी व दूसरे जामे में मेहरराज जी का पंच भौतिक तन धारण किया है। यदि उन्होंने दूसरे तन मेहरराज को छोड़ दिया तो इस संसार रूपी दरिया का प्रलय हो जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी श्री मेहरराज जी के तन में ध्यानावस्था में अभी भी विराजमान है। इसीलिए किसी भी सुंदर साथ को कुम्मट जी के लिए श्री प्राणनाथ जी की समाधि कहने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। चलते चलते व्यथित मन से यही कहना पड़ता है। उल्लू न चाहे उग्या सूर उल्लू न चाहे उग्या सूर जिन अंधों का दुश्मन नूर जिन अंधों का दुश्मन नूर ऐ सुन बका जो ना ल्यावे ईमान ऐ सुन बका जो ना ल्यावे ईमान सोई चमकी दर उल्लू जान सोई चमकी दर मोमिन होए सो समझियो मोमिन होए
सो समझियो ए बीतक कही महामत, ए बीतक कही महामत। अब बात न रही बोलन की, अब बात न रही बोलन की, कया चलते जा निस्बत निस्बत निस्बत। मोमिन होए सो समझियो, मोमिन होए सो समझियो, मोमिन होए सो समझियो।